सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपके मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से और इंडस्ट्री सबसे। सबसे पहले तो आपके कैरेक्टर के थोड़ा जानना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर बता सके लोगों को। मैं इसमें एक कॉप का रोल कर रहा हूँ जिसका नाम लोबो है, और बचपन में उसके साथ एक हादसा हो जाता है और जो कि उसके दिलो दिमाग में रह जाता है, और शादी होने के बाद उसकी फैमिली लाइफ उस हादसे की वजह से प्रॉब्लम में आ जाती है, और कैसे वो किसी का सहारा लेके इस प्रॉब्लम से, इस मेंटल जो हादसे की वजह से जो उसके साथ हुआ उससे वो कैसे निकल के आता है, और ऐसे ही 5-6 और कैरेक्टर्स हैं इसमें, क्योंकि एक के भी एक रोल कर रहा है, महेश भट्ट जी भी एक रोल कर रहे हैं, तो हर एक के लाइफ में क्या गुजर रही है, क्या प्रॉब्लम है और कैसे वो बाहर निकल के आते हैं उससे, वो है। प्लस एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें हर कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो लेखन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और सब एक्टर्स ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, और एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, थोड़ी डिफरेंट है, क्वर्की टाइप की फिल्म है, थोड़ी आज के टाइप की फिल्म है। ओके सर, आपने अभी जस्ट अभी कहा कि डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस, तारिक जी जो डायरेक्टर है बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तारिक जी के साथ? बहुत अच्छा, तारिक जी से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन इस फिल्म में उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टर्स से डील करते हैं, और डायरेक्शन भी उनका बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। सर आपने बहुत से अलग अलग किरदार निभाए आज तक के करियर में, आपने कॉप का रोल भी इसके पहले भी आपने बहुत बार निभाया, तो क्या चैलेंजिंग था ये कॉप के रोल में आपके लिए? इस कॉप के साथ जो हादसा होता है वो थोड़ा सा अलग है, और कैसे वो उससे निकल के आता है ये भी बहुत यूनिक चीज़ है, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओके, ये मूवी के साथ महेश जी भी एक्टिंग में डेब्यू कर रहे जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपका एक्सपीरियंस कैसा, कोई सीन आप शेयर करते हैं महेश जी के साथ? महेश जी के साथ मेरा कोई सीन नहीं है, लेकिन महेश जी तो महेश जी हैं, तो वो जहाँ भी रहते हैं पूरा माहौल जो है वो इलेक्ट्रिफाइंग माहौल हो जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है उनके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली वो शूट हुआ बाद में, तो लेकिन महेश जी। ओके, ये मूवी की थ्रू एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जा रहा है, जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं हाई सोसाइटीज़ में और जो सोसाइटी में ये देखे जाए, मैं ये मूवी में इसके थ्रू देखे जाएंगे, तो क्या कहना चाहिए जो ये मूवी के थ्रू मैसेज दिया जा रहा है? बहुत अच्छा है, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं और हर आदमी उसको सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, ज़िंदगी में शांति चाहता है, प्रॉब्लम से दूर रहना चाहता है, हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, तो इस फिल्म में भी बड़ी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं सबके साथ, और कैसे उन लोग सॉल्व करते हैं ये ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होगा। ओके सर, हमने आपको टीवी में भी देखा है, मूवी में भी देखा है, आजकल के दौर में वेब सीरीज बहुत चल रही है, बहुत जन लोग ट्राई कर रहे हैं वेब सीरीज, आप भी वेब सीरीज अपकमिंग में ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, मैं करना चाहता हूँ, वेब सीरीज करना चाहता हूँ। सो आपके कोई आया है आपके यहाँ प्रोजेक्ट कोई वेब सीरीज का या इन फ्यूचर? हाँ, वेब सीरीज के एक दो प्रोजेक्ट्स आए हैं, एक अभी कॉन्ट्रिलो और अप्लॉज का एक प्रोजेक्ट है ताज करके,
तो उसमें मान सिंह के रोल के लिए उन्होंने बात की, लेकिन अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ओके सर, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ, एक अभी मैं तिग्मांशु धूलिया की अगली फिल्म कर रहा हूँ, मिलन टॉकीज, उसमें एक बहुत अच्छा रोल है। और संजय दत्त प्रोडक्शन की एक फिल्म अभी मैं शूट कर रहा हूँ, उसका नाम है प्रस्थानम, और बाकी बातचीत चल रही है आगे। ओके, लास्टली सर, आपकी मूवी बहुत ही जल्द आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, और एक जो मेन यूएसपी है मूवी की जो बहुत लोगों को छू जाएगी? देखिए, समस्या हर किसी के जीवन में होता है, इस फिल्म में भी उसी को टैकल किया गया है, तो आप लोग ज़रूर जाइए देखने, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।